हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में और उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इधर हम भी बढ़िया हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मेरी तैयारी हो रही है देवराज खाल जाने की। आज देवराज खाल में कुछ काम है और वहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम चौबट्टा खाल। तो व्लॉग शुरू करने से पहले पहाड़ों का आप मौसम देख लीजिए, चारों ओर अच्छी धूप आ रखी है और हल्की हल्की सी पहाड़ों पर धुंध लगी हुई है, तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। और मैं जा रहा हूँ कुंडिल, वहाँ से चलेंगे हम अभी 9 बजे करीब। और अभी मैं हूँ ठीक छोटे मालडी गांव के सामने। आजकल पहाड़ों पे सुबह और शाम का मौसम नॉर्मल सा है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। और दिन के टाइम पे आप पहाड़ों पे बहुत तेज़ धूप लग रही है और उसके कारण यहाँ पर गर्मी हो रही है। और ये देखिए आप, आजकल चारों ओर पहाड़ों पे हरियाली छाई हुई है और जहाँ देखो आप वहाँ आपको हरे भरे पेड़ देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं पे रंगे फूल भी हैं पेड़ों पे आ रखे और कहीं कहीं पे आप पेड़ों पे फल लगना भी शुरू हो चुका है। यह है देवराज खाल मार्केट, 3-4 दुकानें और आज यहीं पे हम काम करेंगे। होटल शेरू भाई का, आज देवराज खाल में और सामने हमारा इंटर कॉलेज देवराज खाल और उसके ऊपर ही बड़ा सा फील्ड जहां मैंने अपने जीवन के 2 साल दिए इस वाली स्कूल में, 11 और 12 यहीं से पढ़ा मैंने। और यहाँ ऊपर है संकुल देवराज खाल प्राइमरी स्कूल और ऊपर महादेव का मंदिर। यहाँ नीचे कुछ घर हैं और यहाँ पे देखिए आप गेंदा के फूल खिले हुए हैं रास्ते के किनारे किनारे, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। और आने वाले 26 से 28 तारीख से बोर्ड के पेपर भी शुरू हो रहे हैं, तो ये एक बोर्ड का केंद्र है, सेंटर है, यहाँ पे पेपर होते हैं। देवराज खाल स्कूल, यहाँ पे है केमिस्ट्री का लैब, सामने बायोलॉजी का और फिजिक्स का लैब यहाँ सामने। हम चलते हैं अब इस वाले घर पे, आज यहाँ पे थोड़ी सी फिटिंग करनी है और मेरे साथ हमारे उस्ताद जी, हमारे यहाँ मेरे उस्ताद जी। पहले पुरानी स्कूल ये वाली थी जो कि अब टूट चुकी है, है ना? इधर ना पहले स्कूल किसा है, स्कूल बोल दिया ना यार, इंटर कॉलेज है पैसा ऐसे हमें पता नहीं है, सॉरी माफ कीजिए। यहाँ पे कर रहे हैं हम काम और ये है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल छोटा सा। तो 1 बजने वाले हैं और अभी हम यहीं पे हैं। चाचा गए हैं चौबट्टा खाल सामान लाने के लिए और मैं बना रहा हूँ बोर्ड। आधा काम हो चुका है और 2 घंटे का काम बचा है। शाम के 4:30 बज चुके हैं और अब आ रहे हैं हम हाँ काम से। आज बहुत काम कर लिया आज, यहाँ पर मंदिर देवराज खाल स्कूल, सामने है बेकरी, यह है शाम का टाइम और अभी देखिए आप देवराज खाल
देवर आजकल कैसा लग रहा है? बिल्कुल एकदम झकास। लोकेशन भी बहुत बढ़िया है और धूप जाने वाली है। यह है देवराज खाल की रोड, ऊपर जा रही है चौटा हॉल के लिए और नीचे जा रही है जय हॉल के लिए। और अंदर है चौटा हॉल। अभी देखिए आप, शाम का टाइम है, ठंडा हो चुका है मौसम। तो ये गाड़ियां अब जाएंगी यहाँ से चौबट्टा खाल के लिए और आज हम भी जा रहे हैं चौबट्टा खाल। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और चारों ओर बहुत तेज धूप आ चुकी है। ये देखिए, जैसे जैसे गर्मियों का टाइम नज़दीक आ रहा है ऐसे वैसे धूप भी बहुत तेज लग रही है। और आजकल धूप सुबह हमारे घर पे आती है 6:40 पे। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो रही है चौबट्टा खाल जाने की। तो आज का प्लान देखते हैं, या तो हम किसी मंदिर में जाएंगे या फिर चौबट्टा खाल में ही कुछ काम करेंगे। जो भी हमारे काम होंगे उनको हम उनको करेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ कुंडिल। तो सुबह सुबह का मौसम आप देखिए पहाड़ों का। ये देखिए, इस पेड़ की पत्तियाँ बिल्कुल चमक रही हैं और यहाँ ऊपर फूल लगे हुए हैं। ये धौला के फूल हैं, इधर खड़गा का पेड़ है। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ कुंडिल। अभी मैं शाम दिन में 2 बजे मैं घर पे पहुँचा चौबट्टा खाल से, और उसके बाद खाना खा के मैं सो गया था। बड़ी थकान लगी हुई थी चौबट्टा खाल से आके। और अभी आप पीछे देखिए पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जो धुंध है वो बिल्कुल हल्की हल्की लग रही है और मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है। और आजकल दिन में बहुत भयंकर धूप लग रही है और उसके कारण यहाँ पे गर्मी हो रही है। तो आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया, कुछ शूट नहीं हुआ। और थोड़ी सी वीडियो मैंने कल शूट करी हुई थी। तो आजकल आपको पहाड़ों पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल और हरियाली देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए आप, यहाँ भी ऊपर फूल लगे हुए हैं। जो कुछ पेड़ हैं उन पर मौलर आ रखी है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो घास हो रखी थी इसको इस बार नहीं काटा गया, क्योंकि इस बार हमारी बहुत सारी घास हो रखी थी और डर इस बात का है कहीं यहाँ आग ना लगे, क्योंकि अगर आग लग गई तो इस घास पे बहुत भयंकर आग लगेगी। और यहाँ देखिए आप, यहाँ भी रंग बिरंगे फूल हो रखे हैं। और यहाँ नीचे कुछ है जंगली मुर्गे। ये इससे झाड़ू बनते हैं, दिख रही है वाइट कलर की घास। ये सड़क के नीचे हो रखी है।